अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेलकम बैक बच्चों, एक नए सवाल के साथ। ये हमारे पास मेरे भाई स्प्रिंग 2018 का एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, और फॉर अ टोटल ऑफ 11 मार्क्स। सर, इस सवाल के अंदर, अभी सवाल को हम रीड करते हैं। सवाल पे आगे बढ़ने से पहले विदाउट कॉन्टेक्स्ट एक रिक्वायरमेंट अगर हम जो है वो अपने पास रीड करें। सर, हमें कहना है जनाब, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो मैं सवाल से ना थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि हमसे टारगेट सेल्स मांग रहा है, कि हमारे पास कोई टारगेट प्रॉफिट है सवाल के अंदर, कोई कहानी में ऐसा आइटम है जो हमें जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा ऐसा इसका छोटा सा है, एक दो मार्क्स का, डिपेंडिंग ऑन पार्ट ए। कह रहा है जनाब, डिटरमाइन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज टू अचीव द सेल्स एज कंप्यूटेड इन पार्ट ए अबव। अच्छा, इस सवाल को मैं रीड करता हूँ, लेकिन इस सवाल का सबसे बड़ा मसला जो जब क्लास में हम टेस्ट ले रहे होते हैं, जब बच्चों के सामने मैंने हमने फेस किया है, जो बच्चों ने फेस किया है, वो ये है कि ये सवाल की इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में हमें सवाल की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मैंने जैसा कि आपको बहुत दफा लेक्चर्स के अंदर बोला है, एंड लेट मी से दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, एक तरह की रीइंफोर्समेंट आपकी हो जाएगी कि मेरे भाई, सबसे पहले सवाल को प्री कुक करके अपने पास उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करो जिस फॉर्मेट के अंदर सवाल आपसे सॉल्व होता है। सर, आइंदर सवाल को देखें और फिर मैं आपको बताऊं कि मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे। कह रहा जनाब, बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हम अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है, सीवीपी को टूल्स के तौर पे यूज करेंगे। कह रहा, कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब कि हमारी फैक्ट्री में जितना माल बन सकता है, हम इस वक्त अपनी फैक्ट्री को सिर्फ 70% के ऊपर यूज कर रहे हैं। यूं समझ दें कि अगर मेरी मशीन 1 लाख किलो माल प्रोड्यूस कर सकती है, तो हम 70,000 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। यूं समझें कि अगर मेरा होटल है और हमारे 5 स्टार होटल के अंदर 500 रूम है, एंड समवन इज सेइंग यू कि भाई, हमारा होटल 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, इट मीन्स कि वी आर रफली सर्विंग अराउंड 350 कस्टमर, या 350 रूम हमारे पास ऑन एन एवरेज बुक होते हैं। अच्छा, यही कैपेसिटी अक्सर अवकात रूम्स यूनिट्स के जीज में देने के बजाय एग्जामिनर रुपीज़ में भी बोल देता है। लाइक, अगर आप कोई बोले कि जनाब, हम 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम 7 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, सही है यार, अगर 7 लाख रुपए का बिजनेस 70% है, तो फुल टाइम अगर आप काम कर लें, 100% पर अगर काम कर लें, तो आप 10 लाख का माल बेच लेंगे। आगे बोल रहे हैं जनाब, द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द लेटेस्ट ईयर। आपके सामने एक समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी है, लेकिन मैनेजमेंट ने जब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी, तो मैनेजमेंट को मजा नहीं आया। मैनेजमेंट ने कहा, यार ये 90 मिलियन में कोई हमारी बात बनती नजर नहीं आ रही है, हम चाह रहे हैं कि 36 मिलियन का प्रॉफिट मजीद ऐड हो जाए। तो मजीद ऐड होने का मतलब है कि मैनेजमेंट की ख्वाहिश है कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई 126 मिलियन के आसपास आएगा, तो हमारे शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर आपके सामने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रखी गई, अगर आप उस पर गौर करें, तो आपको सेल्स दी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस पे गौर करें ना, ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के मतलब की नहीं है। ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में आपके एग्जामिनर ने फिलहाल कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ, और हमें तो आदत नहीं है। हम तो कहते हैं कि सीवीपी के अंदर सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कॉस्ट को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक करना है, वेरिएबल और फिक्स। ऑल्दो देयर इज सम इंफॉर्मेशन देयर जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस करंट पिक्चर के साथ हमारे लिए सवाल में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इस सवाल में जो बच्चे फंस जाते हैं, वो इसलिए कि उनके पास वैल्यूज उस तरह से नहीं होती जिस तरह से वो देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस को अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करेंगे, और हम अपनी कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन के बजाय वेरिएबल और फिक्स के दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेंगे। बहरहाल, ये तो बात की बात है। सर, अब जरा सवाल में अगर आगे बढ़े, कह रहे, फॉलोइंग आर सम मेजर एजम्पशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल बजट बनाने से पहले चंद मेन बातें माइंड में रखो जो हमने प्लान की हुई हैं। एजम्पशन का वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि यार, जाहिर सी बात है, रियल लाइफ में जो आपने बजट किया होता है, हमेशा तो वैसा नहीं होता जब भी हम वेरियंस निकालते हैं। तो आइए देखें कि वो क्या एजम्पशन है जिसके ऊपर काम कर रहा है। भाई, पहली एजम्पशन इसने ये बोली है कि हमारी कंपनी ये प्लान कर रही है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वुड इंक्रीज बाय 8%। ये जितना भी हम माल बेच रहे हैं, अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट सवाल के अंदर मेंशन नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि 567 मिलियन का मैंने माल बेचा है। कह रहे, जितना भी आप माल बेचेंगे ना, उसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देंगे। जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से मेरे पास ज्यादा पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाउ एवर, टू अवॉइड एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, 10% ऑफ द डिस्काउंट वुड बी ऑफर्ड टू लार्ज कस्टमर। भाई, जो बड़ा कस्टमर है, जब कीमत बढ़ाओगे तो वो शोर करेगा,
अब हर कस्टमर को आप एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से, एक डंडे से नहीं हांक सकते। तो हमने कहा कि हमारे वो कस्टमर जो बड़े कस्टमर हैं, जो हमारी टोटल सेल का 30% है, उनको ज़रा उनका मामला जो है वो गर्म ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, उनको हम 10% का डिस्काउंट भी देंगे। साथ में एक और बात और भी बोल दी, कह रहे एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3% ऑफ सेल। इसका मतलब हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर का एक कमीशन भी बांध के रखा हुआ है परसेंटेज के ऊपर, और ये जो हमारा कमीशन है ये डिपेंड करेगा सेल्स पे। मिसाल के तौर पे पहले 2% हुआ करता था, तो अगर लाख रुपए का माल बेच रहे हैं तो 2,000 रुपये उसको पे कर देंगे, लेकिन अगले साल के लिए लाख रुपए का माल बेचेंगे तो 3,000 रुपये पे करने हैं। तो याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा अपने पास ये लेक्चर देखते देखते, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन परसेंटेज के अंदर जो आपको दिया जा रहा है दैट्स एक्चुअली अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर माल नहीं बिका जाहिर सी बात है तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पैसा पे नहीं करूंगा। सर आगे एक बात और भी बोल रहा है, कह रहे जनाब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन द डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। चलो खुद ही उसने ये बात बोल दी, बोल रहा है यहां पर जो वेरिएबल कॉस्ट इस प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल है, अभी थोड़ी देर में इसको हम सेग्रीगेट करते हैं आप देख लेंगे, इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी शामिल है। तो वो जो बात मैं पहले बोल रहा था, आपको पेपर में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन वेरिएबल कॉस्ट में आ रहा है। कह रहे तो एवरेज, माजरत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन द डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%, वाइल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। अब ये दो जुमले हो गए मेरे भाई, दोनों के बारे में जरा बारी बारी बात करते। बोल रहे पहली बात तो ये कि सवाल में जितनी भी ये कॉस्ट दी हुई है ना 447 मिलियन की, ये जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज, इसके अंदर कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी है, कितनी कितनी है वो उसने यहां पर परसेंटेज की फॉर्म के अंदर बता दी है। कह रहा है इस वेरिएबल कॉस्ट में ये 2% का कमीशन भी शामिल हुआ करता था जो अगले साल 3% हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन के अलावा है वो बढ़ेगी 4% से। तो याद रखिएगा यहां वेरिएबल कॉस्ट के ना दो कंपोनेंट हो गए, एक वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो 4% से बढ़ रही है, एक वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऐसी है जो आपकी 3% पर आ रही है, 2% से बढ़कर 3% पर आ रही है। साथ में एक और बात और भी बोली है, इस 447 मिलियन में मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट जहां पर है वहां पर इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, दोनों का कंपोनेंट यहां पे दिया हुआ है, ब्रेकअप निकालेंगे अभी। कह रहा है उस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी शामिल है, और डेप्रिसिएशन जो है वो उसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट 5% से बढ़ेगी। अच्छा डेप्रिसिएशन कितनी है वो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन 90 मिलियन के एंड वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि ना कोई मशीन हमने डिस्पोज की है, ना कोई नई मशीन हमने बाय की है। तो सर ये पूरा सवाल आपके पास है, ये मैंने आपके साथ रीड कर दिया है, आए अब इस सवाल को आगे बढ़ाएं और बारी बारी इसकी अपना बारी बारी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। अच्छा जी चलें बच्चों इसको जरा आगे बढ़ाएं, यहाँ से हमारे पास वर्किंग नंबर वन एक काम ये करते हैं। सर हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी गई है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे मतलब की नहीं है, तो पहले काम करते हैं एग्जामिनर जो हमें क्यूज दिए हैं उन क्यूज को यूज करते वक्त हम थोड़ी सी अपने पास एक वर्किंग बिल्डअप कर लेते हैं, और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को जहाँ पर कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में ब्रेक किया गया है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। मेरे भाई ये मेरे पास पहला काम है जो है वो करने जा रहा हूँ। अच्छा सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो सवाल के अंदर मेरे भाई आपको दी गई है कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि 400 मिलियन की है, और इस 400 मिलियन का 60% आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बनती है। तो मेरे भाई 400 मिलियन का 60% आपके पास बन रहा है दोस्त 240 मिलियन, ये मैं लिख भी देता हूँ सर, ये यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। ये मैंने एक आइटम सॉल्व कर लिया है, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल थी। अच्छा सर एट द वेरी सेम टाइम मेरे पास जहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वहाँ मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे दी हुई है 47 मिलियन की, और इस 47 मिलियन के बारे में बोल रहा है कि इसका जो रिमेनिंग 40% है दैट इज अराउंड 47 मिलियन का 40% बन रहा है 18.8। तो सर मेरे पास इस टोटल 447 मिलियन की कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट आ रही है मेरे भाई 258.8 मिलियन, और ये वो कॉस्ट है जिसको मैं अपने पास वेरिएबल प्रोडक्शन एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकता हूँ, मतलब कि टोटल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। सर जिस तरह मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, अगला काम मैं पहले ये करूँगा कि मैं अपने पास एक अदद फिक्स कॉस्ट भी निकाल दूंगा। मैं दोबारा बता दूँ, मैं सवाल को उस फॉर्मेट के अंदर चेंज कर रहा हूँ जिस फॉर्म के अंदर देख कर हमें इस सवाल की फेमिलियरिटी थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि बींग एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारी तो आदत है कि हम कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर ब्रेक कर रहे होते हैं। तो सर मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी मेरे भाई 400 मिलियन की, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही थी 47 मिलियन की। इस टोटल 447 मिलियन की कॉस्ट में से मैंने अभी अभी अपने पास वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ऊपर,
मैं अगर इस वेरिएबल कॉस्ट को साइड पे कर देता हूं, माजरत, तो ये मेरे पास मेरे भाई आ जाएगी, अच्छा जी 447 माइनस 258.8, सर ये मेरे पास हो जाएगी 188.2। ये मेरे पास इस सवाल के अंदर हो गई है फिक्स कॉस्ट। अच्छा सर, ये दो काम करने के बाद अब यही प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी मैंने ऊपर चेक की है, यही प्रॉफिट एंड लॉस मैं दोबारा से एक नए स्टाइल के साथ बनाऊंगा। इस पूरी कहानी को मैं एक नए स्टाइल से बनाऊंगा, लेकिन हाँ, इसको नए स्टाइल से बनाने से पहले ये ऊपर जो इसने तोड़ के इन्फॉर्मेशन दी है, इसको यहां पर एडजस्ट करूंगा। तो बेसिकली हमारी कंपनी इन एजम्पशंस पे काम करने से पहले कर क्या रही है, तो आए जरा इसको चेक कर ले सर। हमारी कंपनी मेरे भाई ये काम कर रही है कि हम इसी प्रॉफिट एंड लॉस को आपके पास दोबारा बिल्डअप करते हैं, ताकि इस सवाल की तुक और लॉजिक आपको समझ में आ जाए। अगर ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपने अटेम्प्ट किया तो और आप कहीं फंस गए थे, तो वर्किंग नंबर थ्री करने के बाद, वर्किंग नंबर थ्री देखने के बाद मेरा मशवरा है कि आप सवाल एक दफ़ा खुद से अटेम्प्ट करें, मे बी इस दफ़ा आपको सवाल समझ में आ जाए और आप इसको फिगर आउट कर लें। सर वर्किंग नंबर थ्री के अंदर हम जाएंगे मेरे भाई, वर्किंग नंबर थ्री में हमारे पास दी हुई है सेल्स। सर आए ज़रा सेल्स को देखें जनाब, सेल्स मेरे पास दी हुई थी भैया, सेल्स मेरे पास दी है 567 मिलियन की। अच्छा सर, इस 567 मिलियन की फिक्स कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, क्योंकि अब मैं कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ब्रेक नहीं कर रहा, 258.8, तो मेरे पास यहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इस 567 की कॉस्ट में से मैं 258.8 ब्रेक करूंगा, तो मेरे पास सीएम आ रहा है 308.2। सर इस सीएम में से मैं फिक्स कॉस्ट निकालता हूं और मेरी फिक्स कॉस्ट बन रही है जनाब 188.2 जो अभी मैंने निकाली, और ये फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 120 का, और टैक्स रेट जो कि 25% है ये मेरे पास आ रहा है 30 मिलियन का, और इस वक्त एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास खड़ा हुआ है 90 मिलियन का। अब अगर आप गौर करें ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वही है जो भी आपने ऊपर देखा, बस फर्क ये है इस दफा ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरे मतलब का बन गया। यकीनन मेरे पास दो मेन आइटम है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, जिसके अंदर मैंने अपने अगले साल कुछ एजम्पशन अप्लाई करनी है, लेकिन वो एजम्पशन अप्लाई करने से पहले मैंने सवाल को इस फॉर्म के अंदर लेकर आ गया, जिस फॉर्म के अंदर मुझे सवाल की समझ आ रही है कि हाँ यार सही है, मेरी टोटल कॉस्ट के ये दो हिस्से हैं और अब मुझे इसके ऊपर जो है वो काम करना है। अच्छा भाई, अगले साल मेरी ख्वाहिश क्या है? सर अगले साल मेरी ख्वाहिश है कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो 90 के बजाय 126 मिलियन का हो, लेकिन मसला ये है कि अगले साल कुछ फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, सेल्स में भी कुछ चेंज आ रहा है, तो आए बारी बारी उन चेंजेस को हम अगली वर्किंग के अंदर चेक करें और सवाल को यहां से आगे बढ़ाएं। अच्छा जी चले बच्चों, अब इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दफा मैं चाह रहा हूं कि सवाल की इन्फॉर्मेशन को हम एक दफा दोबारा से जो है वो चेक कर लें। सर अगले आने वाले साल के लिए बोल रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ानी 8% से, 70% कस्टमर ऐसे हैं जो पूरी पूरी प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब जो है वो हम उनसे करवाएंगे, उन पर पूरा प्राइस ट्रांसफर करेंगे, लेकिन 30% ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट देंगे, लेकिन डिस्काउंट कीमत बढ़ाने के बाद जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड करते हैं कि सूट बेशक उन्होंने बेचना हो 10-15 हज़ार का, खैर 10-15 हज़ार का तो सूट अब नहीं आता, वो पहले प्राइस लगाएंगे भैया 30 हज़ार रुपये का है, लेकिन आपकी मोहब्बत में खास तौर पे हमने 20 हज़ार रुपये का रखा हुआ है, तो ये क्रॉस लगाने के बाद कस्टमर को घेरा जाता है कि भाई हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने कीमत बढ़ानी है और उस बड़ी हुई कीमत के ऊपर डिस्काउंट देना है, ठीक है ना? आप लोगों ने बहुत दफ़ा जो है वो ऑनलाइन ब्रांड्स की सेल जो है वो चेक की होगी। तो सर आए जरा इस सवाल को आगे बढ़ें और ये देखें कि जनाब हमारे पास इस सवाल में क्या क्या मसले मसाइल हैं। सर एक मसला और भी है सवाल में, हमारे पास ना इस सवाल में फिक्स कॉस्ट दो किस्म की है, एक फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन विच इज 90 मिलियन, और बाकी सारी कैश बेस है। अच्छा जो कैश बेस है वो बढ़ रही है 5% से। तीसरा मसला इस सवाल में जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी दो किस्म की है, एक वेरिएबल कॉस्ट तो वो है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है जो 2 से बढ़ के 3 पर आ जाएगा, और एक हमारे पास हमारी दूसरी नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट है जो आने वाले साल में 4% से बढ़ेगी। तो अब ये काम ये करते हैं जरा स्टेप बाय स्टेप, यही प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने पास बनाई थी, जिसमें आपने सिंपल कोई ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ब्रेक किया है, इसी प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा बनाते हैं,
लेकिन इस दफा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त वो जो नीचे की इंफॉर्मेशन है ना उसको जरा एडजस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर आए जरा सवाल को आगे बढ़ाएं, लेट्स डू वर्किंग नंबर फोर। अच्छा सर वर्किंग नंबर फोर, दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, सवाल को उस फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ जिस फॉर्म में सवाल को आगे बढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाए। वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को उसने 200 में ब्रेक किया है, मैं भी 200 में ब्रेक कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको पता है कॉस्टिंग के अंदर पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज वन वे टू डू थिंग्स। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपना एक पैटर्न, अपना एक मेथड डेवलप करते जाएंगे। नाउ विद दैट बीइंग सेड, आए सवाल को आगे बढ़ाएं। सर मुझे कह रहा है मेरे भाई कि मेरी जो सेल्स है वो तो आ रही थी 567 मिलियन। ठीक है सर। अच्छा सर इस सेल्स के अंदर इस वक्त हमारी कंपनी इस साल कमीशन पे कर रही है 2% का, और ये 2% का जो कमीशन है ये मेरा 567 मिलियन का, जरा चेक कर लूं अपने पास प्लीज, 2% मेरे पास बनता है मेरे भाई 11.34 मिलियन। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये कमीशन पे करने के बाद मेरे पास जो नेट सेल्स आ रही थी आफ्टर द कमीशन वो बन रही है मेरे भाई 555.66 मिलियन। ठीक है सर। सर इसके बाद मैंने इसमें से बाकी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अब याद रखिएगा प्लीज़, आपने ऊपर वर्किंग की हुई है और ऊपर वाली वर्किंग के अंदर मेरे भाई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 258.8 मिलियन। इस 258.8 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास 2% 11.34 का जो है वो कमीशन था, तो सर अगर वो कमीशन मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट बनती है 247.46 मिलियन, और अब मेरे पास सीएम आ रहा है मेरे भाई 308.2 मिलियन का। सर इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। अच्छा मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ रही थी मेरे भाई 188.2 मिलियन, लेकिन इस फिक्स कॉस्ट के अंदर मेरे पास 90 मिलियन का डेप्रिसिएशन था, तो मैं ये 90 मिलियन अगर इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट दो हो जाएंगी, एक कैश बेस और एक नॉन कैश बेस जो कि डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन मेरे पास 90 मिलियन बन जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा 98.2 मिलियन। तो मैंने सेम प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा बनाया है, और ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा बनाने के बाद अभी भी मेरे पास प्रॉफिट जो है वो 120 मिलियन ही आ रहा है, और टैक्स निकालने के बाद मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 मिलियन ही बन रहा है। लेकिन सर ये ख्वारी मैंने क्यों की है? सर मैं सवाल को ना वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे सवाल को एक बच्चा सॉल्व करेगा, और अगर मैं पेपर में वर्किंग करना स्टार्ट करूँ स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? सर सबसे पहला काम मैंने अपने कॉस्ट कार्ड को दो हिस्सों में ब्रेक किया, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में, और उसके बाद उस सवाल के अंदर जो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ था उसको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैं क्या करूँगा सर, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और ये जितनी प्रोजेक्शंस के बारे में मुझे बात की है, सेलिंग प्राइस, कमीशन, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इन सब को एडजस्ट करने के बाद मैं हिसाब लगाऊंगा कि भाई अगले साल 126 मिलियन का प्रॉफिट अचीव करने के लिए मुझे कितने रुपए का माल जो है वो मजीद सेल करना पड़ेगा। अच्छा जी सर ये सवाल मेरे बच्चों मेरे पास कुक हो गया है, मैंने सारी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को ब्रेक कर दिया है। अब ना सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाएं। सवाल की रिक्वायरमेंट थी क्या? सर सवाल की रिक्वायरमेंट में मेरे भाई आपसे मांग रहा था टारगेट सेल्स, पूछ रहा है कितने रुपए का माल बेचूं कि मेरे सारे जो ख्वाहिशात हैं वो मुकम्मल हो जाएं। सर ये ख्वाहिशात मुकम्मल करने के लिए आप दो चीज़ों को चेक किया करते थे, एक हमने फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है और एक हमारे पास पूरा होना चाहिए टारगेट प्रॉफिट। मेरे भाई इस टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को आपने कवर करना है विद सीएम रेशो। अच्छा इस सवाल में क्योंकि टैक्स भी है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जब सवाल में टैक्स का मंजन आ जाएगा तो आपको अपना टारगेट प्रॉफिट इस सूरत में पूरा करना है कि आप उसमें टैक्स की अमाउंट भी रिकवर कर लें। तो हम इसको टैक्स की अमाउंट रिकवर करने से 1-t किया करते थे, विच इज़ अफेक्टिवली 0.75, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो 25% है। तो सर मेरे पास इस फॉर्मूला की हकीकत कुछ इस तरह से हो जाएगी। अच्छा इस सवाल में मेरे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है? सर फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज है अगले साल, सर वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज है, सेलिंग प्राइस में भी चेंज है, तो कंट्रीब्यूशन में भी चेंज होगा। ऑल दो सर इस सवाल के अंदर ना एक आइटम मेरे पास है, मेरे पास टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है। मुझे सवाल में उसने बोला था कि 90 मिलियन का प्रॉफिट है और मैं चाह रहा हूँ कि यार 36 मिलियन का प्रॉफिट और आ जाए, लेकिन ये 36 मिलियन का प्रॉफिट ऐसे आना चाहिए
कि 126 मिलियन आफ्टर टैक्स मेरे पास आ रहा हो, तो आफ्टर टैक्स की अमाउंट मैं यहां से मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन सर इस सवाल को ना अभी भी पूरा करने के लिए मुझे दो आइटम्स की जरूरत है, मुझे एक फिक्स कॉस्ट की जरूरत है और एक मुझे कंट्रीब्यूशन रेशो की जरूरत है। ये दोनों आइटम मेरे पास होंगे तो ये सवाल मेरे पास मुकम्मल हो जाएगा। नाउ लेट मी कॉल दिस वर्किंग, वर्किंग नंबर 5। और इस वर्किंग पे हम दोबारा आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस वर्किंग पे आने से पहले हमें दो आइटम्स को बारी बारी डील करना है। एक हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है और एक हमें कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो निकालना है। सर अगले वर्किंग के ऊपर हम मूव करने जा रहे हैं, वर्किंग नंबर बैक टू 6। और इस वर्किंग के अंदर हम नई फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है, न्यू फिक्स कॉस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जो नया सीएम रेशो आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी मेरे भाई, फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने क्या बोला है जनाब? फिक्स कॉस्ट के बारे में हमें बोल रहा है मेरे भाई कि फिक्स कॉस्ट मेरे पास दी हुई थी 188.2 मिलियन की, और इसमें 90 मिलियन तो डेप्रिसिएशन है, तो बाकी मेरे पास बच गया 98.2 मिलियन। कह रहे आने वाले साल में ये 98.2 मिलियन 5% से बढ़ जाएगी। तो सर जब ये 5% से बढ़ जाएगी तो महंगाई के बाद ये हो जाएगी 103.11%। अगर डेप्रिसिएशन कह रहा सेम रहेगी, तो मैंने ये जितनी भी कैश बेस फिक्स कॉस्ट थी उसको इंक्रीज कर लिया, और अब इस फिक्स कॉस्ट के अंदर मैं डेप्रिसिएशन वापसी ऐड कर देता हूँ। मैंने पहले बाहर इसलिए किया था कि डेप्रिसिएशन के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता। सर ये 90 मिलियन जब मैं ऐड करूँगा मेरे भाई, तो मेरे पास जो नई फिक्स कॉस्ट है दैट वुड बी 193.11 मिलियन। अच्छा ये आसान काम था, ये पूरा हो गया। सर अब जरा अगली वर्किंग के ऊपर हम मूव करते हैं, और अब हमें जो है ना वो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो अपने पास निकालना है। तो आए जरा कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो के लिए बात करें, इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा सर अब जरा बारी बारी कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो निकालने के लिए मैं सारी वैल्यूज टोटल के ऊपर हैं वहीं प्ले करूंगा। 567 मिलियन की सेल्स है, लेकिन मैं अगले साल प्राइस इंक्रीज करूंगा 1.08%। तो जब मैं 1.08% से प्राइस इंक्रीज करूंगा तो आने वाले साल में मेरे पास ऑलमोस्ट सेल्स बन रही है 612.36 मिलियन। लेकिन ये जो सेल मेरे पास है इसमें 30% लार्ज कस्टमर है, वो कस्टमर शोर शराबा ना करें, मैं उनको डिस्काउंट भी दूंगा। इसका मतलब 612 मिलियन मेरे पास पूरे नहीं आएंगे। इस 612 मिलियन में से मुझे डिस्काउंट भी माइनस करना है। अच्छा डिस्काउंट कितना माइनस करना है? सर 612.36 मिलियन का 30% लार्ज कस्टमर है, और इस 30% लार्ज कस्टमर को मैंने 10% डिस्काउंट देना है। तो इस 30% लार्ज कस्टमर को जब मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो ये डिस्काउंट बनता है 18.37 मिलियन। सो आफ्टर डिस्काउंट मेरे पास जो सेल्स आ रही है दैट वुड बी 593.98 मिलियन। लेकिन मसला ये है कि ये सेल्स भी मैं पूरी अपने साथ घर लेके नहीं जा सकता, मुझे इसमें से लेस करना है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। याद रखें वेरिएबल कॉस्ट 2 थी, बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट 4% से बढ़ रही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर का आपका जो कमीशन है वो पहले 2 था अब 3 हुआ करता है। तो बहरहाल अब मुझे इसमें से कमीशन माइनस करना है। सर कमीशन मुझे बोल रहा है 3% के ऊपर है, ज़रा ध्यान करना कमीशन के अंदर। भाई 612 मिलियन का माल था लेकिन मैंने 612 मिलियन रिसीव नहीं किए, डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास आए हैं 593। तो जाहिर सी बात है मैं उस 593 के ऊपर ही कमीशन दूंगा। तो इस 593.98 का जो 3% है मेरे भाई, 593.98 का 3% जो मेरे पास बन रहा है दैट इज 17.82 मिलियन। तो मेरे पास जो नेट सेल्स यहां पर आ रही है दैट इज 576.16 मिलियन। अच्छा मैं इसको नेट सेल्स बोल तो रहा हूं लेकिन ये कमीशन वगैरह निकालने के बाद आ रही है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है। असल जो मेरी सेल्स है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। सर इस सेल्स में इसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। अच्छा अगर आपको याद हो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया था। मैं एक दफा आपको दिखा भी देता हूं दोबारा से। सर मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 247.46 मिलियन। ये वो वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें मैंने कमीशन को साइड पे कर दिया। कमीशन 2 से 3% हो गया है, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये 4% से इंक्रीज होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापसी अपनी वर्किंग के अंदर शिफ्ट करूंगा, और वापसी अपनी वर्किंग में मूव करने के बाद
247.46 को मेरे भाई 4% से इंक्रीज कर दूंगा। तो 247.46 को जब मैं 4% से इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 257.35 मिलियन। और ये नई वैल्यूज सारे नंबर पंच करने के बाद मेरा सी एम 576 माइनस 16 माइनस 257 मेरे भाई मेरे पास आ रहा है 318.8016 मिलियन। और सर दैट्स ही बात है, क्योंकि ये सारा काम मैंने यहाँ पे पूरा कर लिया है तो मैं यहीं पर इसी वर्किंग के अंदर हाथ के हाथ अपना एक सी एम रेशो भी निकाल सकता हूँ। और मेरा नया सी एम रेशो 593.98 मेरा नया सीएम रेशो मेरे भाई आ रहा है 53.67%। तो जनाब मेरे पास मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट भी हो गई, मेरे पास कमीशन भी आ गया। इसका मतलब इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए मेरे पास जितने इंग्रेडिएंट शॉर्ट थे वो सारे इंग्रेडिएंट मुकम्मल हो गए। सो नाउ आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल वर्किंग और मैं इस ओरिजिनल वर्किंग के अंदर जाके ये सारी वैल्यूज अपने पास जो है वो प्लॉट करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे भाई मेरे पास इस सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट आ रही है नई 193.11 मिलियन। इस 193.11 मिलियन के अंदर मैंने बिफोर टैक्स प्रॉफिट अर्न करना है 168 मिलियन का। ये मैंने इन वैल्यूज को आपस में पंच किया है। और सर मेरे पास इस सवाल में सीएम रेशो आ रहा है 53.67%। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज को अपने पास पंच करने जाऊंगा 193.11 एंड 168 मिलियन का प्रॉफिट और इसको मैंने कवर करना है 53.67% से, मेरे पास मेरे भाई आंसर आ रहा है 672.83 मिलियन। और ये मेरे सवाल का जवाब है, सर मुझे अपने सारे मसले हल करने के लिए आने वाले साल में 672.83 मिलियन सेल्स की ज़रूरत है। ये आपके सवाल का जवाब हो गया।